एक बार बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेव। सभी भक्तों को भूरी भूरी प्रणाम है, धन्यवाद है। हमारी साप्ताहिक का श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को पुनः एक बार आपके बीच में लेकर के आए हैं। अपनी स्टूडियोज 27 ओकलैंड न्यूजीलैंड से मैं पंडित राम कुमार सेवक अपने साथियों के साथ में तबला पर नमन स्वामी और मंजीरा पर सुनीश चिट्टी आज हमारी कैमरा वुमन और मंजीरा पर हमारे साथ देंगी शानिया बेटा। प्रीतम भैया आज आपका भी बहुत बड़ा रोल है, आपको भी दूसरा हारमोनियम पर जाना है। हमारे हमेशा की तरह बड़े भाई साहब हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री उत्तम जी, भाभी श्री सरोज जी, आप दोनों को चरणों को मेरा प्रणाम है। और भैया उत्तम जी के छोटे भाई पर मेरे बड़े भाई उग्र चंद जी आज हमारे बीच में आए हैं अपने धर्म पत्नी के साथ में यूनाइटेड स्टेट्स कनाडा से, कनाडा से आए हुए हैं। आइए पंडित जी सरोजनी। अच्छा दोनों का नाम, अच्छा छोटी भाभी भी नाम सरोजनी है, तो दोनों को भव्य स्वागत है ऑल द वे फ्रॉम कनाडा घूमने के लिए हमारे देश में आए। पहले तो आपको हमारे देश न्यूजीलैंड में आपका स्वागत है, फिर दूसरे हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है उग्र भैया जी। साथ में आज बहनी भी आई हुई है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम। और मास्टर रमेश जी आपको भी भव्य स्वागत है। चले हम भगवान के चरणों को नमस्कार करें, उससे पहले मैं अपने पूज्य माता श्री के चरणों को प्रणाम करता हूँ, अपने स्वर्गीय पिता श्री को मैं प्रणाम करता हूँ और जितने हमारे गुरुजन हैं खास करके मेरे गुरुदेव जी तुलसीवारी रामघाट अयोध्या जी भारत में अपना मंगल आशीर्वाद प्रातः स्मरणीय श्री पूजनीय आदरणीय स्वामी श्री लक्ष्मण दास जी के महाराज जी के चरणों को मेरा बार बार प्रणाम है। समस्त साधु जितने भी हमारे जहां जहां भी आप बैठे हैं मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, आप सबको मैं चरण वंदना करता हूँ। ऑनलाइन व्यूवर्स आपको भी स्वागत कर लेते हैं। चले हम गणेश चतुर्थी चल रही है, गणेश चतुर्थी के बाद में गणेश उत्सव चल रही है और जो 29 तारीख को विसर्जन के दिवस हैं, कोई कोई 28 तारीख को विसर्जित कर रहे हैं, तो जैसे जिसका बन रहा है ठीक है, लेकिन पूर्णमासी जो है वो है 29 तारीख को और प्रतिपदा पितृपक्ष का लगता है 30 तारीख को। तो चले सब श्री गणपति भगवान के चरणों को नमस्कार करेंगे, हम माँ सरस्वती के चरणों को वंदना करेंगे और साथ साथ में अपने अपने गुरुदेव जी को हम प्रणाम करते हुए व्यासदेव भगवान जी को प्रणाम करें हम और श्री गोविंद जी के चरणों में हम सब नमस्कार करें भाव से। चले सब बोले हमारे साथ में जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जय पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जय पार्वती पिता महादेवा। Thank you.
कोई भी कार्य करता है अपने जीवन में, चाहे वो गृह प्रवेश हो, चाहे वो विवाह संस्कार हो, चाहे वो विद्या आरंभ हो रही हो उनके जीवन में, तो संकट में भी घिरा हुआ मनुष्य सदैव श्री गणपति भगवान की चरणों का आश्रय लेते हैं, ऐसा उनका मंगल आशीर्वाद मिला है। मैया पार्वती ने समस्त देवी देवताओं से यही वरदान मांगा था कि सर्वप्रथम पूजनीय मेरे सुपुत्र गणेश जी होंगे, और अगर ये हो सकेगा तो मैं अपने क्रोध को शांत करूंगी, और तब ब्रह्मा जी भगवान विष्णु स्वयं रुद्र यानी कि शंकर जी ने मंगल आशीर्वाद सभी देवताओं के साथ दे दिया, और तब से अग्र पूजन का अधिकारी हमारे श्री गणपति बने। एक और कथा आती है, श्री कार्तिक स्वामी जो ज्येष्ठ भ्राता है और गणपति भगवान विवाह योग्य हो गए, और इनकी विवाह करने के लिए एक शर्त रखी गई भगवान शंकर जी द्वारा कि जो सबसे पहले पृथ्वी का चक्कर लगा करके आ जाएगा उनकी विवाह पहले होगी। अब आप सब जानते हैं गणपति भगवान कितने, इनका आप सुने मंत्र में वक्रतुंड महाकाय, बहुत बड़ा इनका शरीर है, और इनके वाहन कौन है, मूषक है, और मूषक पर बैठ करके सारा दुनिया का चक्कर लगाना असंभव। और इनके ज्येष्ठ भ्राता कार्तिक जी स्कंद जी निकल पड़ते हैं, मोर पर बैठ गए और अपने चक्कर लगाना शुरू कर दिया। गणेश जी खड़े रहे सोच रहे, तभी एकाएक बुद्धि के देवता गणपति भगवान को लगा जो समस्त दुनिया जिनके चरणों में त्रिलोकपति स्वयं श्री भूत भावन भगवान और आदिशक्ति जगदम्बा भगवती मैया पार्वती सारे सृष्टि में इनका नाम है और सारी सृष्टि इनसे है, इसलिए इन्होंने तीन प्रक्रमा करके सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। शंकर भगवान ने कहा, पुत्र आप क्या इस शर्त को नहीं मानते हैं क्या, आपके जिस भ्राता से निकल गए और आप यहां अभी भी कैलाश पर हो। उसने कहा, पिताश्री और माताश्री शास्त्रों के अनुकूल सारे सृष्टि में माता पिता से बड़ा कोई नहीं, तो दुनिया क्या चीज है, इसलिए आप दोनों का प्रक्रमा कर लिया है तो सारा दुनिया का प्रक्रमा हो गया है। शंकर भगवान ने मुस्कुराए, माँ पार्वती ने मुस्कुराया, और कार्तिक जी लौटे उससे पहले गणपति भगवान का विवाह हो गया। बोलिए गणपति भगवान की, बुद्धि के देवता बुद्धि पर दया है, श्री गणपति भगवान सभी की मनोकामनाएं को पूरी करें, सभी की अभिलाषाओं को पूरा करें, ऐसे इस महान गणेश उत्सव के अंतर्गत हम अपने स्टूडियो के माध्यम से आप सबको श्री गणपति भगवान का स्मरण करा रहे हैं। आइए भाव से सब बोले, माता जी पार्वती, माता जी पार्वती, माता जी पार्वती।
संसार हर दबला या शुभ्रस्त्रावृत यमीनां वरदंड मंडितुत्तरा या श्वेत पदमासना या ब्रह्मा चित्त शंकरा प्रवृत्ति देवै सदा वंदिता सामां पातु सरस्वती भगवती निशेष सरस्वती मैया की अपने अपने गुरुदेव भगवान को सब प्रणाम करने हम लोग ज्ञान शक्ति समारूढ़ा तत्व माला विभूषिता भुक्ति मुक्ति प्रदात च तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री व्यास देव भगवान को हम सब प्रणाम कर ले। नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धया फुल्लार विंदाया तापत्र नेत्राया भारत तैल पूर्ण प्रजवालितो ज्ञान महाप्रदीप व्यास जी भगवान के जय। चल श्री गोविंद भगवान के चरणों को हम सब मिलकर के वंदना करेंगे। वंशी विभूषित करा नवनीरदा पीतांबरा दरुण बिंद फला धरो पूर्ण सुंदर वासुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जी जय श्री विजयन जी। साथ में प्रीतम भैया और मास्टर रमेश राम जी, साथ में भैया रविंद्र जी। आज दिन में दो बार हम लोग मिल गए। हमारे एडमिन की देखभाल करने वाले, हमारे चैनल को मैनेज करने वाले श्री मिथिलेश जी, आज उनके घर पर पूजा का प्रसंग था तो आज हम वहां मिले, और फिर आज शाम की सत्संग में भी। तो कहते हैं ना, जितना बार मनुष्य से हम मिलते हैं उतना हमारा एक दूसरे के प्रति प्यार, भक्ति, आदर, सम्मान बढ़ता है। भगवान करे ऐसा ना करे कि कोई कोई बोले ना, बोले बहुत ज्यादा चीनी हो जाए तो चींटी लग जाती है। ऐसे उल्टा विचार वाले होते हैं जो कुकर्मी करते हैं, जिनके मन में खोट होता है वो ये बोलते हैं। अन्यथा भाई जितना हो सके उतना एक दूसरे से मिले जीवन में, कब जाने किस पल किसके बीच में क्या हादसा हो जाए, पता नहीं क्या हो जाए। चलते चलते
कब रुक जाए। चलते चलते कब रुक जाए। जीवन की साहस बहुत सुंदर गायक से है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ नहीं देती है। ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद आउट एंड नो ब्रीद इन, वहीं तक हमारा भागदौड़ होता है बस। उसके बाद में शांत हो जाते हैं। आप सबके जगह पर कोई ना कोई होगा, जहां हम जाते होंगे रात्रि में, जहां हमारा पेमानेंट एड्रेस है हम वहीं जाते हैं। हमारे यहाँ भैया सेम जी एंड स्पिन रोड, हम वहां जाते हैं। आज भी थे वहां, कल भी थे वहां, परसों भी थे वहां, इस हफ्ता में हम 4 बार चले गए वहां। कहा जाता है कि भाई कम से कम महीना में एक बार अपना आदत डाल लो वहां बहनी, एक बार शमशान घाट के दर्शन करो। एक आदमी ऐसा गदवेरिया हो गया था, गांव में किसी के घर जा रहा था, तो उसको मालूम नहीं गांव में, और गांव में तो भाई एड्रेस नंबर तो होती नहीं, नंबर 6 ओमाना होती नहीं है, 27 बैलेंस होती नहीं है, तो ऐसे कहाँ जाए इंसान। बोले वो पेड़ के बगल में झूला वाला पेड़ गिरा है, उसके बगल में से एक गली निकलती है, उस गली के बाद में सिरसा का पेड़ मिलेगा, सिरसा के पेड़ के बाद में एक ऐसा बड़ा प्यारा सा छोटा सा मंदिर दिखाई देगा, उस मंदिर के पार चले जाऊंगा मोड़ी उस पार, वहां उसका घर मिलेगा। ऐसे मुझे एड्रेस बताया गया जो मैं किसी को खोजने गया था फिजी। तो यही होता है वहां का पता, सही सही पता नहीं मिलती है। और ऐसे वो आदमी पूछने जब गया तो एक बाबा मिल गए चौराहे के पास में। बाबा बैठे हुए थे, बड़े मौन धारण किए हुए, बाबा को प्रणाम किया और बाबा मैं श्री रामशंकर जी के घर ढूंढ रहा हूँ। तो बाबा ने उसको देखा एक बार और ऐसे पॉइंट कर दिया, बस चले जाओ इस रास्ते को, बोला भी नहीं कुछ, सीधे चले गए। और ये निकल पड़ा भाग दौड़ करके कि अब अंधेर होने वाली है, गाँव है भैया वहां तो बिजली चलती नहीं है, और सीधे निकल गया। जैसे पहुंचे शमशान घाट पर तो इनके रूप आ गई। अरे बाबा ने क्या कहां भेज दिया मुझे, अचानक देखा सभी तरफ कब्रस्तान ही दिखाई दे रहे हैं। बस आप तो जानते हो भैया, शाम की वेला हो जाए और कब्रस्तान आप पहुंच जाओ अकेले, कोई जीव जंतु साथ में नहीं, आपातकाल आ जाएगी, जो ना डरने वाला वो भी डरेगा। और वहां से वो उल्टे पैर भागा, इतना जोर भागा बाबा के पास आया, खड़े हो गए, हाँफते हुए कहा बाबा आपने गलत कर दिया मेरे साथ में। बाबा जी ने कहा भाई क्या गलत कर दिया आप, तो बोले नहीं आपने, हम तो श्री रामशंकर जी का पता पूछ रहे थे, आपने तो बता दिया। बोले आपने मुझे पूछा नहीं कि कौन सा पता चाहिए, श्री रामशंकर जी का ये टेम्पररी पता चाहिए कि पेमानेंट वाला, पेमानेंट वाला तो वही होता है भैया, तो हमने आपको दिखा दिया वही मार्ग है, बस हम सब का भी पेमानेंट एड्रेस वही है, वहीं पर आराम करेंगे एक दिन जीवन में, सब भाग दौड़ शांत हो जाएगा, वहीं पर आराम करेंगे। चले भाव से श्री गोविंद भगवान की जो पावन चरित्र है श्रीमद् भागवत पुराण के माध्यम से हम सब श्रवण करें। और पिछले सप्ताह हम लोगों ने कथा को वहां पर विराम कर दिया था कि श्री शुकाचार्य महाराज जी ने राजा परीक्षित को और सूत जी ने अपने ऋषि बिंद्रों को, सौनक आदि ऋषियों को, 88,000 ऋषियों को ये कथा सुना रहे हैं। और साथ में आप बहुत सारे वक्ताओं को श्री भागवत महापुराण की कथा और इधर जो आनंद घाट पर सुनाए गए थे वो कथा हमारे चारों निर्मल संतों ने श्री स्वयं देव ऋषि नारद को ये कथा को श्रवण पान कराया था। तो हम लोग सुने थे कि तृतीयम
मृषि सर्गम च देवा ऋषिं तः मे पत्यसः। भगवान ने देव ऋषि नारद के रूप में अवतरित हुए, तीसरा भगवान का और रूप था। और भगवान का अवतार का जो वर्णन होता है तो उपदेश किया देवऋषि नारद ने सबको कि किस प्रकार कर्म बंधन से मुक्ति मिलने के लिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए, और धर्मपत्नी मुक्ति के गर्भ से उन्होंने नर और नारायण की उत्पत्ति कराई। आपको पता है श्री नारायण भगवान ने नर और नारायण का रूप धारण किया है। आप किष्किंधा कांड में जब जाओगे तो किष्किंधा कांड में श्री हनुमान जी ऋषि पर्वत से उतर करके आते हैं, जब दोनों कुमार श्री राम जी और लक्ष्मण जी पंपा सरोवर के पास में दिखाई दिए तो सुग्रीव महाराज ने भेजा था पता लगाओ ये दोनों कुमार कौन हैं, शायद बाली के द्वारा भेजे गए हो, अगर हो ऐसा हो तो संकेत कर देना, हम इस पहाड़ को छोड़ करके भाग जाएंगे। जब अपना रूप बदल दिया है, विप्र रूप धारण करके देवऋषि पहुंचे हैं तो उन्होंने श्री भगवान राम जी को देखा है, एक आकर्षण हुआ है इसके हृदय में, उनको लगा कि ये कोई साधारण पुरुष तो है नहीं, ये कोई दिव्य लीला विभूति है, कोई है ये। आप पूछा कि आप कौन हो, तुम दोनों नर और नारायण तो नहीं हो, मनुज रूप धर करके कल्याण हेतु आप आए हैं संसार में, आप स्वयं श्री प्रात पर ब्रह्म तो नहीं हो, संसार का पाप उतारने के लिए आप इस पृथ्वी पर आए हो। ऐसा श्री हनुमान जी विप्र रूप में श्री राम जी और लक्ष्मण से पूछा है। तो कथा तो आप सब जानते हैं, मैं रामायण नहीं कर रहा हूं, हम लोग तो यहां भगवान के श्री भागवत महापुराण की कथा में आए हुए हैं। और पांचवा जो भगवान का स्वरूप बताया गया है वो है कपिल मुनि। और यहां लिखा है कि पंचमा कपिलो नामा सिद्धेशा काल विपतम। जो विपत्ति संसार में आती है कपिल मुनि की शरणागति में जाने से उनकी माता का भी बड़ा मार्गदर्शन हुआ था। ऐसे कपिल देव मुनि महाराज हमारे छह शास्त्रों में सांख्य शास्त्र नाम के शास्त्र को अपनी माता को सुनाया था। ये कपिल मुनि द्वारा रचित ये सांख्य शास्त्र है। ऐसे ऐसे पांचवा रूप का धारण किया है। और छठा रूप क्या है चले सुने हम भाव से। त्वं वृता प्राप्तो न सोया अनिच्छि अवतार में वह सिद्धों के स्वामी कपिल जी के रूप में आए। और श्री तत्व का निर्माण करने वाले सांख्य शास्त्र को समय के फेर से जो लुप्त हो गया था वह आसुरी नामक ब्राह्मण को उपदेश किया था। अनुसुईया के वर मांगने पर
छठे अवतार में अत्रि के संतान दत्तात्रेय के नाम से भगवान उत्पन्न हुए, जो छठ अवतार भगवान आप सब जानते हैं। अत्रि मुनि और मां अनुसुईया चित्रकूट में जो आज पावन सबको कल्याण करने वाली मंदाकिनी है, उस मंदाकिनी नदी को तपस्या करके पृथ्वी पर अवतरित कर दिया और चित्रकूट जैसा पावन तीर्थ आज भारतवर्ष में शायद मुश्किल है, जहां पर भगवान श्री राम जी स्वयं 11 वर्षों से कुछ अधिक वहीं पर अपने जीवन काल बिताए वनवास के अंतर्गत। तो ऐसे श्री अत्रि मुनि के आश्रम आज भी बड़े शोभायमान हैं। कभी चित्रकूट निकले तो मां अनुसुईया और स्वयं श्री अत्रि जी का दिव्य आसन का दर्शन करें हम। और ये पति व्रता नारी जो है अनुसुईया, आप इनकी कथा सुनो तो हृदय गदगद हो जाएगा। भगवान विष्णु, ब्रह्मा और स्वयं शंभु मां अनुसुईया का परीक्षा लेने हेतु आए इनके आश्रम पर, इनके कुटिया पर। अत्रि मुनि जी तपस्या में लीन थे, उस समय पूजा पाठ कर रहे थे और तभी इन तीनों ने भिक्षुक रूप धर करके आए और भिक्षां दे देवी ऐसा उन्होंने जब पुकार करी तो मां अनुसुईया निकली है अंदर से कुटिया से और भिक्षा के पात्र लेकर के और कहा कि आओ महात्माओं, भिक्षा देने के लिए मैं तत्पर हूं। लेकिन उनका शर्त कुछ अलग था। उनका शर्त ये था कि देवी हम लोग ऐसे भिक्षा नहीं लेते हैं। बोले तब कैसे लेते हो? बोले हम आप ना वस्त्रहीन हो जाए तब हम आपसे भिक्षा लेंगे। बड़े अजीब गरीब महात्मा थे और त्रिकालदर्शी अत्रि के पत्नी भी कोई साधारण पत्नी नहीं थी। उन्होंने शायद अपने ध्यान से देखा, ओहो आप तीनों हैं, चलो मैं संकल्प कराती हूं कि मैं आपको जरूर ऐसे ही भिक्षा देंगे जैसे आप चाह रहे हैं। और उन्होंने अत्रि मुनि के द्वारा किया हुआ जो यज्ञ था, उस यज्ञ में जल था, वो अति पवित्र जल को लेकर के आई और तीनों पर छींटा कर दी और उसी क्षण वो तीनों बालक रूप में आ गए। और जब बालक रूप में आ गए तो फिर कौन सी मुसीबत है मां के लिए, और तीनों को उठाया, अपने गोद में बिठाया है मैया। यह है मां सती अनुसुईया। और जब सब कुछ सामान्य हो गया, तीनों प्रकट हो गए और भगवान विष्णु, शंकर और स्वयं श्री शिवजी महाराज ने उन्हें अति सुंदर वरदान दिया। यहां तक कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी चित्रकूट छोड़ करके और फिर आगे जाने की तैयारी में लग गए, तो अत्रि मुनि और मां सती अनुसुईया के आश्रम पर जब आए तो मैया सीता को मां अनुसुईया ने पतिव्रत नियम के सब विधान बताए और ऐसा दिव्य अनुभूति वस्त्र दी कि हे देवी सीता, इसको पहनोगी तो कभी यह मलिन नहीं होगा। और इधर अत्रि मुनि ने भगवान श्री राम जी को भी बहुत सारे सुंदर उपदेश दिए। तो ये सती अनुसुईया और स्वयं श्री अत्रि मुनि के पुत्र दत्तात्रेय
17 त्रय ने 24 गुरु बदले। आप और हमें बताया गया है बस एक जगह गुरु कर दिया गया तो उन्हीं के आश्रय रहे। सुंदर है, अच्छी है, क्योंकि गुरु बदलने से हम इधर उधर भटकेंगे, यहां ना प्रसन्न वहां ना प्रसन्न तो कहां प्रसन्न। हम इतना जरूर कहेंगे कि दत्तात्रेय की कथा जो है वो अलग है, उनको कुछ खोज थी, लेकिन आज नहीं, फिर आगे चल करके श्री भगवान दत्तात्रेय की जो कथा होगी ना वो हम आपको लाएंगे आपके बीच में कि क्यों इन्होंने अपने गुरु बदलते रहे, कि जब तक इनको वो तत्व ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ जो इनको चाहिए था। इसलिए ऐसे तत्व को प्रदान करने वाले जो गुरु होते हैं, गुरु शब्द तो आप सब जानते हो, गुरु का मतलब है अंदर का विकार, और रू का मतलब है हमारे मन की उजाला। और जो गुरु हमें मिले आपके और हमारी अंदर की सब विकारों को दूर हटा दे, हमारा मन उज्जवल हो जाए, ऐसे गुरु के शरण में अगर हम कहीं चले गए ना तो हमें बार बार हम लोग कहते हैं कि उन गुरु के चरण को कभी छोड़े मत, क्योंकि गुरु वही होता है शास्त्रों के आधार पर कि जब हमारा जीव यात्रा करता है इस शरीर छोड़ करके तो गुरु आगे होते हैं और पीछे पीछे जीव जाता है। भगवान के द्वार पर पहुंचा करके गुरु जी भगवान से उस जीव को मिला करके और आप बगल आ जाते हैं। इसलिए गुरु का बड़ा महत्व है हमारे आपके जीवन में। अगर कोई गुरु ना हो तो अपने माता और पिता को तो आप जरूर गुरु मानते हैं ना, अपने माता पिता को गुरु रूप में आप देखें। और गुरु क्या करता है आप सब इसके विषय में बहुत तरीके से जानते हैं, पढ़े हैं, सुने हैं। आइए इस 24 गुरुओं को क्यों बदली करने का मौका मिला, इनको क्यों, इनको चाहत आई, आकांक्षाएं आई, वो कभी फिर सुनेंगे। लेकिन अभी जो छठा अवतार दत्तात्रेय का हुआ उसके बाद में आता है तथा सप्तम आकुत्याम रुचो रज्जनो भया जायतः सामम माधयः सुरगणो रणम तस्वायम भुवा आतरण। देवताओं के साथ स्वयंभू मनवंत्र की रक्षा की और सातवीं बार रुचि प्रजापति की आकुति नाम से पत्नी से यज्ञ के रूप में भगवान श्री नारायण ने अवतार लिया। यज्ञ हम और आप करते हैं तो कभी यज्ञों का नियम को हम अगर देखेंगे बड़े ध्यान से तो यज्ञ में बहुत सारे नियम हैं, उस नियम का पालन हमें करना चाहिए। देवताओं का भोजन है, जिस आहुतियों को दे करके हम यज्ञ में आहुतियां डालते हैं अग्नि देवता उसको प्रज्वलित करती हैं। अग्नि देवता उसको प्रज्वलित करते हुए जिन देवी देवताओं के प्रति मंत्रों द्वारा आहुतियां दिया जाता है वो देवी देवता आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं और अग्नि देवता उनको वो देता है जो उन्हें चाहिए और उसके बदले में वह हमें अपना मंगल आशीर्वाद देते हैं। इसलिए देवताओं का भोजन यज्ञ है और यज्ञ हमें नित्य या कम से कम हफ्ते में एक दो बार करने के चाहिए। भैया रविंद्र सही बोल रहे हैं, आप तो जानते हैं यज्ञ के विषय में, यज्ञ के नियम क्या है आपको पता भी है। ऐसे श्री सातवां अवतार भगवान का हुआ है, भाव से अब सुनते हैं हम लोग जो आठवां अवतार है भगवान के वो कौन से थे। अष्टमे मेरु दिव्यां तूर्णाभि जार्ता उरु कर्माह दर्शयेणं वक्त्रं हिरणं सर्वाश्वनां
मस्कृतात्मक। राजा नाभी के पत्नी का नाम मेरु और मेरी देवी के गर्भ से ऋषि भेदवक के रूप में भगवान आठवां अवतार धारण करते हैं। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण ऐसे भगवान विभिन्न अवतार धारण करते हैं पृथ्वी पर। इस रूप में उन्होंने परम हंसों का वह मार्ग जो सभी आश्रमियों के लिए वंदनीय है वो दिखाया है और ऋषियों की प्रार्थना से जो नवी रूप है वे राजा पृथ्वी के रूप में अवतीर्ण हुए भगवान श्री नारायण और सनक आदि ऋषियों इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से समस्त औषधियों का दोहन किया था और इससे यह अवतार सबके लिए बड़ा ही कल्याणकारी हुआ। ये सौरभ ऋषियों इस अवतार में भगवान बहुत सारे कार्य ऋषियों के लिए किया। और चाक्षुष मणिमंत्र में अंत में जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी तब उन्होंने मत्स्य अवतार का रूप धारण किया। भगवान नौका पर बैठ करके आए और दसवां अवतार ग्रहण किया। पृथ्वी रूपी नौका पर बैठा करके अगले मनमंत्र के अधिपति वैवस्त मनु के उन्होंने रक्षा करी और सप्त ऋषियों का रक्षा किया और सुमेरु पर्वत के पास ले गए जहां पर जल पहुंच नहीं पाया। सारा पृथ्वी जल मगन हो गया था। ऐसे भगवान का दसवां अवतार जो है मत्स्य अवतार श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण धन्यवाद है आपका। बड़े व्यस्त हो
जानते हैं, फिर भी इस सत्संग से दूर रह नहीं पाते हैं। घर में श्री गणपति भगवान का बड़ा सुंदर इनका स्थापना हुआ है, बेटी अनिश्नी का, इनके पुत्री का बड़ा संकल्प हुआ कि इस बार गणेश जी हमारे घर में आए और गणेश जी के बृहद पूजा हर रात्रि को या हर सुबह करके निकलते हैं। भगवान की पूजा करने से हम सबके जीवन मार्ग बड़े सुलभ हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसे बेटी अनिश्नी की जो आकांक्षाएं हो परिपूर्ण हो मास्टर पवन जी, आइए सब गणपति भगवान अनिश्नी बेटी मास्टर पवन और टीचर जी जो हमारे वैष्णो टूर्स के साथ में बाली में अभी हैं, तो उनके लिए और बेटा आरव जो हमारे पोते हैं उनके लिए बड़े भाव से ओम गण गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। गण गणपतये नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। गणेश महाउत्सव हर एक प्राणी के लिए सुलभ हो, मंगल हो, यही हमारी शुभकामनाएं हैं आप सबके लिए। याद रहे प्रथम दिवस का जो नियम था उस नियम को आप सुन ले पुनः एक बार। आप फागा ग्लास, ब्रास, सिल्वर, और भी कोई ऐसी वस्तु से बना हुआ श्री गणेश को विसर्जित ना करें। अब आप कर रहे हो तो गलेगा तो कभी नहीं, आपके दुख हर के, क्योंकि हम लोग बोलते हैं विग्रहारता गणपति भगवान, आप सबके हमारे सबके दुखों को ले जाएगा। लेकिन कहीं ये मूर्तियां किसी पैर के नीचे आ गई ना, तो 10 दफा ज्यादा करके आपके ऊपर पुनः बौछार करेगी। पता है ना आप सबको, भूल पाप कभी शमाने होते हैं। गंगा जी एक दिन देखा कि धर्म यमराज जी गंगा जी के तट पर बैठे अपने दंड लेकर के, मैया गणपति मैया गंगा जी सोच रही है क्या बात है, आज यमराज जी को क्या हो गया कि जा ही नहीं रहे, सब साधु जब चले गए, सब स्नान करके चले गए बैठा है। गंगा मैया प्रकट हुई, बोले यमराज भैया क्या बात है,
सब चले गए, आप बैठे हैं। बोले क्यों, बड़े क्रोध में दिख रहे हो। बोले हाँ गंगा जी, पता लगा है कि आप में स्नान करके लोग पवित्र हो रहे हैं और हमारी संख्या बहुत कम हो रही है नरक में, इसलिए मैं पूछने आया हूं कि जब आपके गंगा जी में, आपके नदी में, आपके पानी में, आपके तीर्थ में जब स्नान कर लेते हैं तो उनका पाप आप हर लेती हो, क्या करती हो उस पाप को? उमा बहनी इसको ध्यान से सुन, गंगा जी ने कहा भाई उनका पाप हर को लेती हूँ लेकिन मैं रखती नहीं हूं। तो बोले फिर क्या करते हो उसको? मैं तो पिता समुद्र को दे देती हूँ। अब यमराज वहां से निकला, भागे भागे सीधा समुद्र के पास में। कहा समुद्र बाहर आओ। अरे राम जी तो तीन रोज समुद्र की पूजा करी, वो प्रकट नहीं भय, लेकिन यमराज पहुंचे तुरंत प्रकट हो गए। भैया यमराज से कौन नहीं डरता बताओ, सभी डरते हैं, मृत्यु से सब डरते हैं और यमराज का दूसरा नाम ही मृत्यु है। प्रकट हो गए, हाथ जोड़ लिए, बोले यमराज आप बोला बताओ जो गंगा पाप लेकर के तुम्हें देती है तुम क्या करते हो? हाथ जोड़िया समुद्र देवता ने, बोले भगवान हम भी अपने पास नहीं रखते हैं। बोले कभी क्या करते हो? बोले वो मेघाए ना, वो सामर्थ्य मेघाए, वो दिव्य मेघाए जो इंद्र के आदेश पर काम करते हैं, बोले वो उठा ले जाते हैं। अच्छा तो वहां है? बोले हाँ। अब समुद्र देवता के पास से विदा लेकर के यमराज गुस्से में सीधे पहुंच जाते हैं मेघाओं के पास में। मेघाओं से पूछा तुम क्या करते हो? समुद्र से सब पाप उठा करके कहां ले करते हो, किसके देते हो, कहां ले जाते हो? बोले भगवान हम अपने पास नहीं रखते। बोले फिर क्या करते हो उसको? बस हम लोग बारिश बन करके जिनके पाप है उन पर बरसते हैं। ऐसे हम और आपके जितने पाप प्रायश्चित तो कर सकते हैं, कहीं ना कहीं चुपका करना पड़ेगा, इसलिए बस हम भगवान का ही स्मरण करें। हे गणपति भगवान आप हमारे हर दुख हर कष्ट को आप ले जाओ, लेकिन याद रहे जो सरवा रहे हो वो मिट्टी का गणेश, मिट्टी की मूर्ति हो, वो मिट्टी से बना, हल्दी से बना गणेश जी को भाई वो भी ऐसे कोई मैले पानी में नहीं फेंकना है, स्वच्छ जल में कहीं जाकर उनको विसर्जन करो। हम तो ये कहते हैं अगर इतना बड़ा गणेश है तो घर में विसर्जन करो, साफ थाली ले लो, स्टेनलेस की थाली बहुत होगी घर में, नहीं होते मेरे पास आओ भाई मैं देता हूं एक दो, उसमें थोड़ा सा जल भर करके गंगा जल डाल करके और उसी गणेश जी को जिसको आपने 10-11 दिन तक पूजन किए है कि हे परमात्मन हमारी हर क्लेश हर दुख आप ले जाओ, गणेश जी लेते हैं, इसी कारण से तो ये महत्व चलता है। बस महात्मा लोग का यही कहना है कि आपका निरंतर पूजा जो है गणेश जी के चरणों में कि हे प्रभु हे बप्पा गणपति हमारे हर दुख को आप हर लो, दुख हरता मंगल मूर्ति गणपति जी हरेंगे, लेकिन हरेंगे तो हरेंगे ठीक, लेकिन उसको सरवाए दो किसी पेड़ के जल को में छोड़ दो।
अगर मूर्ति के रूप में बिक दिए जो मूर्ति गलने वाली नहीं है और कोई भैया ये काम करेगा। आज हमारी उकलने की समस्या क्या है मालूम, हम लोग बड़े आराम से बैठ करके दो तीन जगह सरकार दिए थे कि वहां अपने मृतक को आप दसगात की क्रिया करो, सोलवा दिन की क्रिया करो, तेरवा दिन की क्रिया करो, लेकिन हमारे भैया लोग मानते नहीं है। वहां नारियल फोड़ करके फेंक देते हैं, वहां खड़ी मूर्ति ले जाकर के फेंक देते हैं, वहां जाकर के श्री हनुमान जी के झंडा डंडा सहित फेंक देते हैं, और जो कोई उस पर चलता है तो फिर आप बताओ उसका क्या हश्र होता है। इसीलिए लोग दुखी होते हैं, कहते हम तो बहुत पूजा करते हैं भैया, खूब अच्छा से लेकर सरवाई दिए। सरवाई का मतलब क्या है? सरवाई का मतलब पानी ही नहीं, पृथ्वी में भी सरवाया जाता है। कंपोस्टिंग करो, घर के फूल पूरा पूरा 9 दिन का फूल। अरे पंडितों, आप लोग थोड़ा ज्ञान दो अपने यजमानों को कि भैया 9 दिन की पूजा हो तो ये थाली भर करके पूरा बास्केट भर करके पूरा रविश में भर करके ले जाकर समुद्र में बीग देते हैं और वो फूल वापस लौट करके आती है। समुद्र अपने पास कुछ नहीं रखता है, फिर लोग उनको कचलते अपने पैरों से। तो इसी तरह हमारे सब व्यवस्थाएं बंद हो गई हैं, अब हमें ढूंढना पड़ता, छुप छुप के काम करना पड़ता है। अभी सरकार कोई जगह हमें दी नहीं है जिससे हम लोग ये काम, और मरते लोग रोज है। इस महीना तो हमने सिर्फ 7 तो हमने किए हैं भाई, पता नहीं और कितना होंगे। हरिओम जी। तो अब ऐसा सोचना, ये सोच बदलना है हमारे और आपका। बस भारत के श्री माननीय मोदी जी ने सारे भारत का सोच बदल दिया। हम लोग एक छोटी सी कौम है भैया, बस बदल दो उसको, सब हो जाएगा ठीक। इसलिए जो फूल पत्ती आदि हम लोग को पूजा में चढ़ते हैं उनको अपनी गार्डन में ले जाओ, आपकी हरा भरा काबिज मिलेगा भैया, मिर्चा खूब फरेगी आपका। तो पोस्ट करो उसको, पानी के पत्ती मिले, सब कुछ मिले, जरूर सब बहुत कुछ मिले। अरे हम लोग तो दुखी हो जाते थे भैया, मूर्तियां बटोर बटोर आपने शायद खंडित मूर्ति को ले जाकर के वहां फेंक दिया, या कोई धर्म बदल दिया तो आपको गणेश राम कृष्ण नहीं चाहिए तो आप ले जाकर समुद्र में फेंक दिया। गलत कर रहे हो, इसलिए बड़े प्यार से आइए वहां शर्मेश कीर्तन आपके मुखारविंद से हो, और हम आज की प्रसंग 10वां अवतार तक पहुंचे हैं और इससे आगे हम लोग बढ़ाते हैं। जब तक मास्टरमी जी आ रहे हैं हमारे बीच में, मैं आपको 2 सूचना और दे दूं। एक सूचना यह कि पितृपक्ष 30 तारीख से शुरू हो रही और 14 की रात्रि में खत्म होती है, अक्टूबर को। 15वां से हमारे बीच में अश्विनी मास के नवरात्र शुरू होती है और शारदीय नवरात्र शुरू होती है, और ये चलेगा 9 दिन तक, जो 15 से लेकर के 23 यानी कि 15th to 23rd of October। तो इसको नोट कर ले आप लोग और इसी तरह चले। और दिवाली का बड़ा भारी विडंबना फिर शुरू हो गई भैया, अगर आप सुन रहे हो प्रकाश रेडियो वाला जी तो देखो भैया 12 तारीख भी है और 13 तारीख भी है, विचार कर लो अभी से। मेरे पोस्ट अभी कुछ नहीं करेंगे हम, लेकिन जो हमारी पंचांग द्विक पंचांग और कई ऐसे पंचांग निकाले गए हैं हमारे सदन MSPM में 13th बताई जा रही है, 13 तारीख नवंबर बताई जा रही है जो सोमवार है, कनाडा में आपका होगा हमारी 14 आपका 13 ठीक है ना। और अगर इतवार को मना रहे हैं शौक से मनाओ, लेकिन हल्ला मत करो भैया। धन्यवाद, जय श्री राम, जय हो। आवाज़
तेरो बन जाएंगे गोविंद धुन पाए से, तेरो बन जाएंगे गोविंद धुन पाए से, गोविंद धुन पाए से राम धुन पाए से, तेरो बन जाएंगे गोविंद धुन पाए से। गुरु की बन गई हाँ गुरु की बन गई बेला गति बन गई, गुरु की बन गई बेला गति बन गई, रुपति के बन गई रोटी रखो बनाए से, तेरो जंगे तेरो बन जंगे को उन्दर गुने खाए से, तेरो बन जंगे को उन्दर गुने खाए से, गुरु गुरु खाए से हो राम गुने खाए से, तेरो बन जंगे को बालकी बन गई हाँ बालकी बन गई सुधरी ओके बन गई, बालकी बन गई सुधरी ओके बन गई, हनुमत के बन गई हो सीधा सीधा गाए से राम तेरो बन जाएंगे राम, तेरो बन जाएंगे गोविंद धुन गाए से, तेरो बन जाएंगे गोविंद धुन गाए से। गुमती बन गई हाँ नंद की बन गई यशोदा की बन गई, नंद की बन गई यशोदा की बन गई, भुगन तो बन गई हो माखन पवाए से, तेरो बन जंगे गोविंद धुन गाए से, तेरो बन जंगे गोविंद धुन गाए से। गज की बन गई हाँ गज की बन गई होगी लगी बन गई, गज की बन गई होगी लगे बन गई, क्यों के बन गई हो नाव से चढ़ाए से, तेरो बन जाएंगे गोविंद धुन गाए से, तेरो बन जाएंगे गोविंद धुन गाए से। उद्योगी बन गई उद्योगी बन गई हो विषम की बन गई, उद्योगी बन गई विषम की बन गई, अर्जुन के बन गई हो पिता ज्ञान पाए से, तेरो बन जाएंगे गोविंद धुन गाए से, तेरो बन जाएंगे गोविंद धुन गाए से, तेरो बन जाएंगे गोविंद धुन गाए से। गोविंद धुन गाए से राम धुन गाए से, तेरो बन जाएंगे गोविंद धुन गाए से, तेरो बन जाएंगे गोविंद धुन गाए से, तेरो बन जाएंगे गोविंद धुन गाए से। धन्यवाद सबके बन जाए भैया, अति सुंदर मास्टर रमेश जी बहुत बहुत सुंदर, आपके भाव को प्रणाम। रविन भैया बड़े मुश्किल से आते हैं, लेकिन अगले बार जब आप होंगे रविन भैया तो आप जरूर एक सुनाओगे, और हमारे उत्तम भैया जी भी तैयार हैं, पवन भैया मास्टर जी भी तैयार हैं, तो सबको कल प्रीतम जी ट्रेनिंग पर है अभी, तो इनका भी बहुत शीघ्रता का, और विजय जीजा जी यो सुने गाते हैं। अरे अच्छा अच्छा अभी देर में बताए भाभी, जब आए थे उसी समय इंट्रोड्यूस करते हैं कि देखो उग्र छोट हमारे देवर जी ना बहुत अच्छा गाते हैं, ऐसा बोल देता बस, इतना तो मुझे जरूरी है, बाकी तो नो जब किरण आएंगे तो देख लेंगे फिर। जय श्री राम जी, काफी सुंदर आपका और भाभी सरोज, आप भी कनाडा वाली भाभी सरोज, लोकल वाली भाभी सरोज ने, कनाडा वाली भाभी सरोज आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, आप आए हमारे द्वारा आए हमारे स्टूडियोज में आए, हम बहुत ही तृप्त हुए आपके दर्शन पा करके, भगवान करे आपकी यात्रा मंगलमय हो वापसी तौर पर। और सानिया बेटा थैंक्स फॉर ऑपरेटिंग आवर कैमरा, तो बहुत बहुत धन्यवाद है, पिछले सप्ताह बहुत बहुत व्यस्तता थी हमारी, कहाँ कहाँ हम लोग नहीं भटके ना,
सभी जगह सभी गांव में हैमिल्टन में थे, हल्की में थे, कहां कहां प्रोग्राम चली हमारी, भारती मंदिर में थे, शिव मंदिर में थे। नमन बेटा का बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत आप प्रसन्न करते हमारे साथ में। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि शायद एक दो प्रोग्राम हमारे स्टूडियो से बाहर आएंगी, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिर भी प्रोग्राम तो आएगी आएगी। पितृपक्ष का समय आ रहा है। मैं पिछले साल श्री गीता भगवत गीता का पाठ जो है हर रोज आपके बीच में लाया था, कितना बजे लाऊंगा इसके लिए मैं फेसबुक पर पोस्ट कर देता हूं। तो अगर आप पितृ पूजन कर रहे हो, पितरों का जल दे रहे हो, तिल दे रहे हो, या पिंड निकालते हो, या अन्न दे रहे हो, या भोजन दे रहे हो, जो भी दे रहे हो आप, क्यों कर रहे हो, पितृ पक्ष का मतलब क्या है, आप पितरों की पूजा उस समय करी जाती है, कोई ऐसा चीज नहीं है कि भगवान का पूजा नहीं हो, भगवान की पूजा बिल्कुल हो सकती है, लेकिन याद रहे स्वागत के हम सब संसार है, स्वागत के लिए तो पूजा करते हैं। तो अगर हम उस समय पूजा करते हैं तो जितना पुण्य आदि है ना वो सब हमारे पितरों को ही मिलता है। आप चाह रहे हो कि आपके पितर को कल्याण हो तो आप भागवत करें, आप रामायण सुने, आप घर में पूजा भी करें, पाठ करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं कि पितृपक्ष में पूजा वर्जित है, बिल्कुल वर्जित नहीं है जी, ये बात ध्यान रखें। बस यही हम लोग जो माइंडसेट हमारे पूर्वज लोग बना चुके हैं वही माइंडसेट हमारे माता श्री को आप कहोगे कि घर में दिया जलाना, 94 ईयर ओल्ड आज भी नहीं जलाएगी दिया, चाहे कुछ भी हो जाए, ब्रह्मा विष्णु महेश जी भी उतर आएंगे, होने वाला नहीं। धन्यवाद सबको, जय श्री सीताराम। अगले सप्ताह जरूर हम मिलेंगे फिर 7:30 के आसपास में। जय सियाराम।